हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल प्रीवियस एग्जाम में। मैं सूरज, रोज की तरह शाम इवनिंग में आपको 9 PM पे GKGS का 20 क्वेश्चन का सीरीज मिलता है, और ये वे क्वेश्चन होते हैं जो एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं, बार बार पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे NTPC में पूछे गए सवाल का एक सीरीज लाया हूँ, जिसमें आपको हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, इकोनॉमिक्स का, साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी का, ये सारे क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं। तो यहाँ देखते हैं, आज आपको लेके चलते हैं आज का पहला सवाल। आज का पहला सवाल है, 1866 में दादा भाई नौरोजी द्वारा निम्नलिखित में से किस एक शहर में ईस्ट इंडिया कंपनी एसोसिएशन की स्थापना की गई थी? तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा 1866 में ईस्ट इंडिया कंपनी एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। ऑप्शन बी, लंदन में की गई थी। कहाँ की गई थी? लंदन में की गई थी। नेक्स्ट सवाल आपको पूछा गया है कि जवाहरलाल नेहरू कितनी बार भारतीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे? तो जवाहरलाल नेहरू कितनी बार भारतीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे? तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा, तीन बार। तीन बार जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। नेक्स्ट सवाल, किस एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी? ये बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है ये क्वेश्चन, PCS तक पूछा गया है। तो आप देख पा रहे हैं कि महात्मा गांधी ने सबसे पहले कितने बार कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो सिर्फ एक बार की थी, और वे कहाँ पर किए थे? तो ये बेलगांव में किए थे। कहाँ किए थे? बेलगांव में किए थे। और ये कब किए थे? तो ये 1924 ईस्वी में किए थे। कब किए थे? 1924 ईस्वी में। इस बैठक में, इस अधिवेशन में मुस्लिम लीग एक बार फिर से अलग हुआ था। मुस्लिम लीग दोबारा कब अलग हुआ था? तो 1924 ईस्वी में, जब महात्मा गांधी कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे थे बेलगांव में। नेक्स्ट सवाल, भारत में कितने बंदरगाह हैं? तो भारत में कितने बंदरगाह हैं? तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। भारत में मुख्य रूप से, मुख्य या जिसे प्रधान कहा जाता है, वो 12 प्रधान या मुख्य बंदरगाह हैं, और 135 या प्रधान बंदरगाह हैं, छोटे या मीडियम साइज के बंदरगाह हैं, लेकिन ये सभी बंदरगाह हैं क्रियाशील हैं, एक्टिव हैं। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, पवन ऊर्जा से विद्युत उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी है? तो पवन ऊर्जा से विद्युत उत्पादन में ऑप्शन बी तमिलनाडु अग्रणी है। सबसे ज़्यादा पवन ऊर्जा से विद्युत उत्पादन किया जाता है कहाँ पे? तमिलनाडु में। नेक्स्ट सवाल, भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ लगा था? भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ लगा था? तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है, सिंदरी। और सिंदरी कहाँ पे है? तो सिंदरी आपका झारखंड में है। कहाँ पे है? झारखंड में है। अब इस बात को रखें, पहले ये बिहार में था, अब ये झारखंड में है। अब ये सिंदरी का जो उर्वरक कारखाना था वो कब लगा था? तो ये लगा था 1951 ईस्वी में। कब लगा था? 1951 ईस्वी में लगा था। ठीक है, नेक्स्ट सवाल, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में ग्रीष्म मानसून के द्वारा अधिकतम वर्षा होती है? तो ग्रीष्म मानसून के द्वारा जो अधिकतम वर्षा होती है वो होती है उत्तर पूर्वी पहाड़ी क्षेत्र में। कहाँ होती है? उत्तर पूर्वी पहाड़ी क्षेत्र में। नेक्स्ट सवाल, सौर परिवार में के निम्नलिखित ग्रहों में से सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? तो सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा, नेपच्यून। नेपच्यून सौर मंडल में सबसे ठंडा ग्रह माना जाता है। इसका टेम्परेचर जो होता है वो -200 डिग्री सेल्सियस होता है। क्या होता है? -200 डिग्री सेल्सियस होता है। इसे बर्फ का गोला भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बर्फ का गोला भी कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल, हवाई जहाज प्रायः कौन सा मंडल में उड़ते हैं? तो यहाँ पे संताप मंडल इसका सही जवाब हो जाएगा। संताप मंडल में आपका हवाई जहाज उड़ते हैं। नेक्स्ट सवाल, ओजोन परत किस स्तर में पाया जाता है? तो ओजोन परत जो पाया जाता है वो 11 से लेकर 30 किलोमीटर के बीच में पाया जाता है। कहाँ से पाया जाता है? 11 किलोमीटर से लेकर 30 किलोमीटर के बीच का परत जो होता है वो क्या कहला जाता है? ओजोन परत कहलाता है। नेक्स्ट सवाल, किस देश में जस्ता प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? किस देश में जस्ता, जस्ता जिसको जिंक कहा जाता है, तो जिंक सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? तो जिंक सबसे ज़्यादा
थाईलैंड में पाया जाता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, एशिया और यूरोप में संतुलित घास स्थल को क्या कहते हैं? तो एशिया और यूरोप के संतुलित घास के मैदान को स्टेपिज कहते हैं। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, जड़त्व का नियम सर्वप्रथम किसने दिया था? तो जड़त्व का नियम सर्वप्रथम गैलीलियो ने दिया था। किसने दिया था? ऑप्शन ए गैलीलियो ने दिया था। नेक्स्ट सवाल, ल्यूमेन किसका मात्रक है? तो ल्यूमेन ऑप्शन सी ज्योति फ्लस का मात्रक क्या है? ल्यूमेन है। क्या है? ल्यूमेन है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, यहाँ पे देखिए बहुत कन्फ्यूजन हो रहा था, किसमें आपका ल्यूमेन जो ज्योति फ्लस का मात्रक है और दूसरा आपका ज्योति तीव्रता, तीव्रता ये किसका मात्रक है? तो ज्योति तीव्रता जो है वो कैंडिला का है। किसका है? कैंडिला। ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है? कैंडिला। नेक्स्ट सवाल, निम्नलिखित में से किस कंपनी के साथ थिंक पैड लैपटॉप का संबंध है? तो थिंक पैड लैपटॉप जो चला हुआ है ये किससे संबंधित है? तो ये ऑप्शन डी IBM से संबंधित है। किससे संबंधित है? IBM से, इंटरनेशनल बिजनेस ऑफ मशीन कॉरपोरेशन। IBM का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल बिजनेस ऑफ मशीन कॉरपोरेशन। नेक्स्ट सवाल, अब तक कितने तत्वों का तत्व ज्ञात किए गए हैं? तो आपको पता है आवर्त सारणी में रसायन विज्ञान में अभी तक कितने तत्व, कितने एलिमेंट का खोज किया गया है? तो आपको पता होना चाहिए अभी तक 118 तत्वों का खोज कर किया जा चुका है। नेक्स्ट सवाल, हीमोग्लोबिन और क्रोमेटिन के निर्माण के लिए आवश्यक खनिज लवण है? तो हीमोग्लोबिन और क्रोमेटिन के लिए जो आवश्यक खनिज लवण है उसका नाम है लौह आयरन। आयरन क्या नाम है इसका? आयरन। ठीक है। नेक्स्ट सवाल, मानव शरीर में रक्त के निर्माण का स्थान कहाँ है? तो मानव शरीर में जो रक्त का निर्माण होता है, ब्लड का जो निर्माण होता है वो कहाँ पे होता है? ऑप्शन डी अस्थि मज्जा बोन मैरो में होता है। कहाँ पे होता है? बोन मैरो या तो अस्थि मज्जा में होता है। नेक्स्ट सवाल, कौन सी चीज़ें, कौन सी गैस सिगरेट लाइटर से निकलती है? तो सिगरेट लाइटर से कौन सी गैस निकलती है? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ब्यूटेन। कौन सा गैस निकलती है? ब्यूटेन इसका सही जवाब हो जाएगा। आपको पता है थंबनेल में एक क्वेश्चन दिया गया है, उसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में लिख कर दें। ठीक है। और वीडियो कैसा लगा उसके बारे में भी बताएं, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएं, क्योंकि यहीं से हमें मोटिवेशन मिलता है और मैं आपके लिए रोज़ 20 क्वेश्चन अलग अलग जगह से ढूंढ कर लाता हूँ ताकि आपका एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन ना छूटे। आप इतना भी करके चले जाते हैं तो बहुत सारे एग्ज़ाम में GK GS आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड बाय बाय। मिलते हैं कल फिर इसी समय, फिर 20 क्वेश्चन के साथ में।